दोस्तों नमस्कार, मैं अरभा सोल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं राज किशोर। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था स्पाइस ग्राइंडिंग बिजनेस के बारे में, यानी मिर्च, धनिया, हल्दी जो भी स्पाइसेस है उसको ग्राइंडिंग करके यानी पीस कर और उसे सेलिंग करके और पैसा कमाने के बारे में आपको बताए थे उस वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए हैं, वहां से आप जाकर और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम उस वीडियो में बताए थे आप स्पाइस को किस तरह से ग्राइंडिंग करेंगे, यानी किस मशीन से जो है आप उसको पीसेंगे, और अगर आप उसे पीस कर और डायरेक्टली अगर आप विदाउट पैकेजिंग का उसे मार्केट में सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, प्रॉफिट रिपोर्ट के माध्यम से आपको हम बताए थे। और उसमें आपको बताए थे कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था उसमें आप सिर्फ अगर आप ग्राइंडिंग मशीन लेकर विदाउट जो है पैकेजिंग का अगर मार्केटिंग करते हैं यानी सेल करते हैं तो आपको सिर्फ जो है 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस बिजनेस से, और आप जो है बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको आप किस तरह से जो है स्पाइस को ग्राइंडिंग करके उसको पैकेजिंग करेंगे, यानी आप पैकेजिंग किस तरह से करेंगे, पैकेजिंग मशीन किस तरह का होता है, कैसे पैकेजिंग किया जाता है, उसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी पैकेजिंग मशीन में कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद आप जब पैकेजिंग करते हैं तो आपको पैकेजिंग करने में कितना इन्वेस्ट होता है, और अगर आप पैकेजिंग करके उस मसाले को मार्केट में सेल करते हैं, जैसे कि कई कंपनी मार्केट में अवेलेबल है जो इस तरह का काम करती है, स्पाइस को जो है पीस कर और उसे पैकेजिंग करके और सेल करती है, तो आपको कितना जो है प्रॉफिट होगा अगर आप भी इस तरह का बिजनेस करेंगे तो। तो दोस्तों आपको हम बता दें अगर आप इस तरह का बिजनेस करते हैं सिर्फ एक मशीन से, वो जो हमने बताया था 50,000 का मशीन, वो और एक पैकेजिंग मशीन लेकर अगर आप काम करते हैं तो कम से कम महीना में 4,00,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। और हम आपको इसमें बताएंगे उस बिजनेस को करने के लिए आपको जो है कौन कौन से लाइसेंस बनवाने होंगे और टोटल आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस तरह के बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और राइट साइड में बेल का आइकन आएगा, जब आप रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिएगा तब तो उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लिए होंगे जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा अच्छा से समझ पाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये पैकेजिंग मशीन है, आप जो यहाँ देख रहे हैं डोंगा, उसमें जो है जो भी प्रोडक्ट आप पैकेजिंग करना चाहते हैं वो डाल देना होता है, और इसके बाद इसमें जो है रोल लगा देना होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गोल वाला जो है ये पॉलीथीन का रोल है, यानी इसका रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग रॉ मटेरियल उसको बोला जाता है, ये रोल है, इसको लगा दिया जाता है और जो भी मटेरियल आप पैकेजिंग करना चाहते हैं डाल देना होता है। जब इसको आप डाल देते हैं और इसके बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है पैकेजिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पैकेजिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ जो है पैकेजिंग हो रहा है। दोस्तों पैकेजिंग मशीन मार्केट में कई तरह का अवेलेबल है, क्वालिटी और जो है उसका कैपेसिटी के अनुसार जो है प्राइस है, यानी अगर आप अच्छे क्वालिटी का अच्छे कैपेसिटी का अगर मशीन लेते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप कम क्वालिटी यानी कम लो क्वालिटी का और कम कैपेसिटी का मशीन लेते हैं तो आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे अगर आप 20 केजी पर आवर पैकेजिंग करना चाहते हैं तो कोई भी मशीन आप ले लीजिए, किसी भी मशीन से आप जो है पैकेजिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये मशीन जो आप देख रहे हैं इसका जो है पैकेजिंग कैपेसिटी लगभग 20 से 25 पैकेट जो है पर मिनट, यानी एक मिनट में जो है 20 से 25 पैकेट पैकेजिंग कर सकते हैं। अगर आप 250 ग्राम का जो है पैकेजिंग करेंगे तो एक मिनट में 20 पैकेज जो है आप तैयार कर पाएंगे, यानी आराम से जो है 5 केजी पैकेजिंग आप जो है एक मिनट में कर देंगे। इस तरह से जो है अगर आप 4 मिनट काम करेंगे इस मशीन को चलाएंगे तो आराम से आप 20 केजी पैकेजिंग कर सकेंगे।
तो दोस्तों इस मशीन का पैकेजिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। आप चाहे तो इसके लिए जो है 2-3 ठो ग्राइंडर मशीन खरीदिए और इससे पैकेजिंग करके और मार्केटिंग कीजिए। इससे ये होगा ये कि आप जो है प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कर पाएंगे। उससे आप अगर एक भी ग्राइंडिंग मशीन लेते हैं तो उससे कम से कम जो है पर मंथ 4 लाख रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब आपको बता देते हैं कि आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि आप एक ही मशीन से हर तरह का मसाला जो है पीस सकते हैं, चाहे वो हल्दी हो, धनिया हो, मिर्च हो, सब जो है आप एक ही मशीन से ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे आपको टर्मेरिक यानी हल्दी का, धनिया का और मिर्च का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप उसको पीसते हैं और उसका पैकेजिंग करके मार्केटिंग करते हैं तो आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हल्दी का है, अगर आपने वो नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो तो बार बार हम आपको बोल दे रहे हैं, आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप जो है बेहतर तरीका से आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। वो वीडियो इसी चैनल पे है, डायरेक्टली आप इस चैनल पे जाकर और इस वीडियो को देख लीजिए या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रोडक्शन इन 1 आवर 20 kg, यानी 1 घंटा में आप जो है 20 kg प्रोडक्शन कर देंगे, जिसमें आपको जो है इन्वेस्टमेंट होगा 20 kg प्रोडक्शन करने में और इसका पैकेजिंग करने में। अगर आप 250 ग्राम का जो है पैकेजिंग करते हैं, एक पैकेज 250 ग्राम का बनाते हैं तो 20 kg का जो है 80 पैकेट होगा। तो आपको जो है 80 पैकेज यानी 20 kg प्रोडक्शन करने में और पैकेजिंग करने में आपको 2340 रुपया लगभग इन्वेस्ट हो जाता है, जिसमें 2000 का टर्मेरिक यानी हल्दी, गोटा हल्दी यानी खड़ा हल्दी जिसको आप पीसेंगे, और 20 kg 100 रुपया पर केजी आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है। वैसे तो 80, 85, 90 रुपया पर केजी मिलता है, लेकिन हम मान लेते हैं 100 रुपया पर केजी आपको मिलेगा, तब भी आपको 2000 का जो है टर्मेरिक आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा। इसके बाद 20 रुपया का जो है इलेक्ट्रिसिटी इसमें एक्सपेंस होगा। इसके बाद 120 रुपया पैकेजिंग जो है कॉस्ट आपको खर्चा होगा। एक पैकेट पे अगर आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पैकेजिंग करते हैं तो मुश्किल से जो है 1.5 रुपया खर्चा होता है, लेकिन तब भी हम 1.5 रुपया मान लेते हैं। तो 80 पैकेज होगा 20 kg जो है पैकेजिंग करने में, तो 120 रुपया मान लिए, और 200 रुपया जो है आपको लेबर एक्सपेंस होगा। लेबर यानी उसको जो मैनुअली जो काम करेगा उसमें एक्सपेंस हो जाएगा 1 घंटा में, तो 2340 रुपया टोटल होता है। और सेलिंग प्राइस जो है मार्केट में इसका 200 रुपया पर केजी है, 200 रुपया पर केजी इसका जो है मार्केट में सेलिंग प्राइस है, यानी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो टोटल सेलिंग कॉस्ट होगा 20 kg का, 20 kg 1 kg का 200 रुपया, तो 20 kg का जो हो जाएगा 4000 रुपया। इस तरह से अगर आप 1 घंटा में जो है 4000 का सेल किए, यानी 1 घंटा में 4000 का सेल किए और आपको इन्वेस्ट हुआ था 2340 रुपया, तो टोटल प्रॉफिट आपको हो जाएगा 1660 रुपया। इस तरह से अगर आप एक दिन में 8 घंटा काम करेंगे तो 1 घंटा में 1660 रुपया होता है, तो 8 घंटा में इसका 8 गुना यानी 8 को 1660 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13280 रुपया होता है। इस तरह से अगर आप 1 महीना काम करते हैं पर डे 8 आवर 8 घंटा, तो 30 दिन होता है, तो 30 को 13280 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,98,400 रुपया जो है आप एक मशीन से 1 महीना में प्रॉफिट कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ 8 घंटा काम करते हैं तो। अगर मान लीजिए अगर आप 2-3 ठो मशीन रखते हैं, सिर्फ ग्राइंडिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन, एक ही पैकेजिंग मशीन से आप कर देंगे, यानी ये 20 kg एक 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 घंटा में जो आप 20 kg ग्राइंडिंग करेंगे, पीसेंगे, उसको आप मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आप पैकेजिंग कर देंगे। अगर आप 5 मशीन भी रखते हैं तब भी आराम से आप पैकेजिंग कर देंगे, 10 मशीन भी रखते हैं तब भी आप आराम से जो है एक ही पैकेजिंग मशीन से पैकेजिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए एक मशीन से इतना प्रॉफिट कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं अगर आप 2-4 मशीन लगा लेते हैं तो कितना प्रॉफिट कर सकते हैं पर मंथ आप। दोस्तों चलिए अब आपको जो है कोरिएंडर पाउडर का बता देते हैं, यानी धनिया का जो है मसाले बना के उसका पैकेजिंग करके और सेल करने का जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता देते हैं कितना आप इससे प्रॉफिट कर पाएंगे उसी बिजनेस से, यानी उसी मशीन से। दोस्तों देखिए, ये भी आपको जो है 1 घंटा में 20 kg प्रोडक्शन कर देंगे, इसमें जो है आपको वही 20 kg प्रोडक्शन करने में और पैकेजिंग करने में 1540 रुपया इन्वेस्ट होता है, जिसमें जो है 1200 रुपया का जो है आपको धनिया आ जाता है, लगभग 60 रुपया पर केजी मार्केट में मिल जाता है, और 20 रुपया का इलेक्ट्रिसिटी, और पैकेजिंग कॉस्ट जो है लगभग आपको जो है 120 रुपया लगता है, और टोटल लेबर खर्चा जो है लगभग आपको जो है 200 रुपया
हो जाता है, उससे कम लगता है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा करके हम मान लिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो सके, तो 1540 रुपया होगा ये टोटल एक्सपेंस 20 kg प्रोडक्शन करने में और पैकेजिंग करने में। और इसको अगर आप मार्केट में सेल करेंगे तो आराम से होलसेल में जो है 145 रुपया पर केजी सेल होगा। इस तरह से जो है 20 kg आप 1 घंटा में प्रोडक्शन किए तो 20 kg को अगर आप 145 रुपया पर केजी सेल करेंगे तो 2900 रुपया होता है। इस तरह से अगर आप 2900 रुपया में इसे सेल किए और 1540 रुपया आपको प्रोडक्शन और पैकेजिंग खर्चा हुआ था तो आप 1 घंटा में जो है 2900 में से 1540 घटाएंगे तो 1360 रुपया आप जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप एक दिन काम करते हैं 8 घंटा पर डे, 8 घंटा काम करते हैं एक दिन में, तो एक दिन में आप जो है 8 को और 1360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आप प्रॉफिट कर पाएंगे, यानी 10,880 रुपया आप जो है एक दिन में प्रॉफिट कर पाएंगे अगर आप कोरिएंडर का बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक महीना काम करते हैं तो 30 दिन होगा, 30 दिन को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 10,880 से, तो 3,26,400 रुपया आप एक मशीन से और पर डे अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो प्रॉफिट कर सकते हैं सिर्फ एक महीना में, यानी पर मंथ आप जो है 3,26,400 रुपया अगर आप कोरिएंडर पाउडर का बिजनेस करते हैं इस मशीन को लगा के, एक ग्राइंडिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन लगा के, तो प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो है बहुत कम करना पड़ता है। प्रॉफिट आप 4 लाख रुपया जो है एक मशीन से महीना में कमा सकते हैं। देखिए इसमें जो है आपको एक स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन लेना पड़ता है जिसका अप्रोक्स जो है 50,000 रुपया प्राइस है, और आपको पाउडर पैकिंग मशीन लेना होगा तो 2 लाख रुपया का जो है ऑटोमेटिक पाउडर पैकिंग मशीन आ जाता है, यानी मसाला पाउडर पैकिंग मशीन आ जाता है, पैकेजिंग मशीन। इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, GST और जो है वर्किंग कैपिटल जो है लगभग 1.5 लाख रुपया इसमें लगता है। तो आपको जो है 2,500, 3,500 और जो है 50,000, 4 लाख रुपया जो है इस बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। और दोस्तों अगर आपका मार्केटिंग स्किल अच्छा है तो आप इस बिजनेस में जितना लगा है वो सिर्फ आप एक महीना में जो है कमा सकते हैं। दोस्तों इसका मार्केटिंग भी जो है बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूज जो है डेली लाइफ में किया जाता है और हर जगह किया जाता है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, कहीं भी किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसीलिए आपको जो है हम चिली पाउडर यानी मिर्च पाउडर का जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बता पाए उससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। इसके बाद जो है लाइसेंस इसके लिए कौन कौन से बनवाना पड़ेगा ये भी नहीं बता पाए। लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं, ये सब आपको नहीं बता पाए हैं। मार्केटिंग के बारे में भी, तो ये सब हम, ये 4 टॉपिक जो है ये सब हम आपको जो है अगले वीडियो में बता देंगे। और दोस्तों ये वीडियो हम आज डाले हैं, आज का डेट जो है 14 नवंबर 2017 है। कल हम जो है इसका जो है 3rd पार्ट डाल देंगे जिसमें हम आपको ये 4 टॉपिक के बारे में बता देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इसी तरह के बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।